दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग ड्रीम इलेवन में जो आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट को यहाँ पर आप लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हो, ड्रीम इलेवन में बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो। और मैं आपको लाइव प्रूफ में आपको अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आप लोग भी करना चाहते हैं कि हम भी ड्रीम इलेवन में बैंक अकाउंट को वेरीफाई करें, तो ये वीडियो को भाई आप अच्छे से देख लेना, ये वीडियो को पूरा देख लेना, आप लोग भी सीख जाओगे कि हम ड्रीम इलेवन में बैंक अकाउंट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट को दोस्तों वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ड्रीम इलेवन मतलब कि ड्रीम इलेवन को ओपन करना। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो ये ऊपर वाला प्रोफाइल वाला ऑप्शन है ना, आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माई बैलेंस का ऑप्शन, ये देख रहे हैं, आपको सिंपली माई बैलेंस वाले पर सिंपली क्लिक कर देना। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, मान लो कि यहाँ पर अगर आपको माई केवाईसी डिटेल का ऑप्शन अगर आपको नहीं देखने को मिल रहा, तो यहाँ पर ये जो मतलब कि जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ना, वेरीफाई टू विड्रॉ, आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक करना। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन अगर नहीं देखने को मिलता तो यहाँ पर आपको क्लिक करना, और अगर ये वाला ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलता है सिंपली माई केवाईसी डिटेल पर आपको सिंपली क्लिक करना। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जो आपका फोन नंबर है, आपका फोन नंबर आपका वेरीफाई होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई होना चाहिए, आपका पैन कार्ड आपका वेरीफाई होना चाहिए, मतलब ये तीनों चीज़ आपका पहले से आपका वेरीफाई होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप लोग अपने बैंक अकाउंट को भी वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर आपका ये तीनों चीज़ वेरीफाई नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पैन कार्ड को वेरीफाई कर लेना। ये तीन चीज़ को दोस्तों जब आप वेरीफाई कर लोगे तो उसके नीचे दोस्तों आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एंड उसके बगल में दोस्तों आपको यू मतलब कि वेरीफाई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको ये वेरीफाई पर आपको सिंपली क्लिक करना। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको बोलेगा अकाउंट नंबर डालने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि जिसका भी पैन कार्ड आप वेरीफाई यहाँ पर किए हो, जिसका भी पैन कार्ड ड्रीम इलेवन में वेरीफाई किए हो, उसी का पैन कार्ड को दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है। ये नहीं कि आप पैन कार्ड अपना डाल रहे हो तो आप अकाउंट किसी और का डालोगे, इस तरह डाक करोगे तो जब आपका बैंक अकाउंट है आपका बैंक अकाउंट यहाँ से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से लोग पढ़ भी सकते हो क्या लिखा, इंटर बैंक अकाउंट डिटेल एज पर पैन, मतलब कि पैन में आप जिसका डाले हो उसी का बैंक अकाउंट को भी यहाँ पर आपको डालना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा आपको अपने अकाउंट नंबर को दोस्तों डालना, मतलब कि डालना। तो यहाँ से दोस्तों जो मेरा अकाउंट नंबर है, हम अपने अकाउंट नंबर को डाल लेते, यहाँ से देख सकते हैं मैं अपना अकाउंट नंबर को डाल लेता, उसके बाद यहाँ पर भी हम डाल लेते हैं अकाउंट नंबर को दोस्तों। डालने के बाद यहाँ पर अब आपको बोलेगा, देख सकते हैं नीचे में आपको बोलेगा आईएफसी कोड डालने के लिए, मतलब कि जो भी हो आपका बैंक का जो आईएफसी कोड होता है, आईएफसी कोड डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं जो मतलब कि जो मेरा बैंक है, मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का आईएफसी कोड है, तो सिंपली क्या करते हैं हम एयरटेल पेमेंट बैंक का आईएफसी कोड को यहाँ से हम डाल लेते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली क्या करते हैं, इसको यहाँ से एयरटेल पेमेंट का बैंक का जो आईएफसी कोड होता है हम यहाँ से सिंपली निकाल लेते हैं। आपको भी आपका जो चाहे आपका पासबुक होगा या फिर पासबुक से भी कर सकते हैं, या फिर मतलब कि जहाँ पर आपका जब जहाँ पर आपका ये जो आपका आईएफसी कोड है, आईएफसी कोड को यहाँ से आपको कहीं पर आपका चाहे पासबुक हो गया, चाहे आपके फॉर्म में कहीं पर आपका दिया गया होगा, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको आईएफसी कोड को डाल देना। आईएफसी कोड को दोस्तों जैसे डाल दोगे तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस, मतलब कि जब आप आईएफसी कोड को डाल दोगे तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट का जो नाम होगा, बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो आपका ब्रांच का नाम है, ब्रांच का नाम आ जाएगा, और जो स्टेट है आपका स्टेट वाइज यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ को दोस्तों यहाँ पर आपको मतलब कि आईएफसी कोड को डालने से आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जो आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट किस बैंक में है, वो चीज सारा चीज यहां से आप पता कर सकते हो। और यहां पर दोस्तों आपको एक बात का ख्याल रखना कि यहां पर जब भी आप अकाउंट नंबर डाल रहे हो तो यहां पर आपको सही सही आपका अकाउंट नंबर डालना। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं मेरे साथ गलत हो गया, तो यहां से हम इसको यहां से हम मतलब कि फिर से डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम डाल लेते हैं, इसको हम यहाँ से फिर से डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली क्या करना, देख सकते हैं मतलब सही हो चुका, मतलब कि आपको यहाँ पर आपको गलत नहीं करना, जो भी यहाँ पर यहाँ ऊपर डाल रहे हो वो सेम चीज़ यहाँ पर आपको नीचे में डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोलेगा अपलोड पैन प्रूफ, मतलब कि जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसका दोस्तों जो भी आपका पासवर्ड का मतलब जो आपका पासबुक होता है, पासबुक का जो फ्रंट साइड का जो फोटो होता है जहाँ पर आपका अकाउंट नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है, सिंपली आपको यहाँ पर आपको सिंपली अपलोड कर देना। सबसे पहले उसका फोटो आपको खींच लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो अपलोड बैंक पर है सिंपली इस पर आपको क्लिक करना। इस पर दोस्तों जैसे मतलब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना, अपलोड फ्रॉम गैलरी पे जाना। इस पर दोस्तों जाने के बाद जो भी आपका मतलब कि जो भी आपका बैंक का जो पासबुक होगा उसका जो फोटो खींचे होंगे, सिंपली यहाँ से हम अपना फोटो को ले लेते हैं। फोटो को ले लेने के बाद यहाँ से इसको हम आपको अगर क्रॉप वगैरह करना चाहते तो क्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सारा चीज़ मेरा यहाँ पर हो चुका, मतलब कि अकाउंट नंबर डाल दिए, रिटाइप अकाउंट नंबर कर दिए, आईएफसी कोड बैंक नाम का नाम वगैरह तो आ ही गया, उसका जो मेरा बैंक प्रूफ था बैंक प्रूफ भी यहाँ पर हम डाल दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो सबमिट डिटेल है आपको सिंपली सबमिट डिटेल पर दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से आपको क्लिक कर देना। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जो आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपका वेरीफाई में मतलब कि इन रिव्यू में आपका चला जाएगा, और कुछ टाइम के बाद जो आपका बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर आपका वेरीफाई मतलब कि हो जाएगा। तो यहाँ पर
दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ समय के बाद जो मेरा बैंक अकाउंट है, मतलब कि अप्रोक्स 2 से 3 मिनट के बाद जो मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा अकाउंट यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली भाई वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अगर ड्रीम इलेवन में बैंक अकाउंट को वेरीफाई करते हो तो 100% आपका वेरीफाई हो जाएगा, और इस तरह से आप लोग ड्रीम इलेवन में अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो और अकाउंट को जोड़ सकते हो। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। चलिए इस वीडियो को नहीं करते, मिलते फिर से वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।